वेलकम बैक टू सारे इलेक्ट्रिकल। आज मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम फराटा फैन वाइंड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी कोर की बात कर लेते हैं, 6 सूत की कोर है। अगर दोस्तों आपको रोशनी पड़ रही है, दोस्तों सनलाइट अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा हो तो बताया तो आपको 6 सूत की कोर है। ये रनिंग का फर्मा हमने दोस्तों सेट किया है, तो उसमें दोस्तों हम रस्ता वाइंडिंग करेंगे। रस्ता वाइंडिंग दोस्तों उसे बोलते हैं, एक ही कॉइल को बना के हम जब उसे राउंड राउंड डालते हैं तो उसे बोलते हैं रस्ता वाइंडिंग। रनिंग का फर्मा 31 पे सेट किया है और ये दोस्तों पूरा फराटा फैन हम एलुमिनियम से वाइंड करेंगे। जो भी आपको डेटा या कोर साइज, कंडेंसर पिच वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों रनिंग का हमने कॉइल बना रहे हैं, रनिंग का 30 नंबर लिया हमने एलुमिनियम वायर, जो लिया हमने 30 नंबर, जिससे हम 200 टर्ने डालेंगे। ये देखिए दोस्तों कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों मैनुअल वाइंडिंग मशीन है जिसमें हम दोस्तों एक बार यानी कि इसमें हमने 20 राउंड घुमाए तो ऑटोमेटिकली 200 टर्ने इसमें डल गए, यानी कि एक राउंड घुमाते हैं तो 10 टर्ने डलती हैं। ये देखिए कॉइल हमारा दोस्तों बन के तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं हमेशा जब भी फर्मा सेट करता हूँ एक कॉइल डाल के देख लेता हूँ। ये देखिए ये एक ही कॉइल है दोस्तों, यानी कि रनिंग में हमारे सिर्फ केवल दोस्तों 2 कॉइल बनेंगे। ये देखिए एक एक राउंड डाला है मैंने एक स्लॉट में। ये देखिए दोस्तों बीच में हमने 6 स्लॉट छोड़ी है, तो इसकी पिच दोस्तों जो काउंट करेंगे हम 8, 10, 12। ये देखिए सेकेंड राउंड घुमाया हमने। क्योंकि दोस्तों जब भी हम पहला कॉइल बनाते हैं उस प्रकार से इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा फर्मा सही सेट हुआ है, कॉइल ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ये देख लीजिए ये दोस्तों थर्ड राउंड और कॉइल हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए एक स्लॉट में एक ही राउंड घुमाया मैंने। ये देखिए इसे दोस्तों कॉइल को डालने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप इसे बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो स्टेटर होता है ये खुला स्टेटर है, आप इसमें बढ़िया करके वाइंड कर पाएंगे। ये देखिए विद इन 1 मिनट में ये देखिए कॉइल हमारा डल चुका है। उस प्रकार से कॉइल को देखो सेट कर लीजिए। ये देख लीजिए आप, आपके सामने देखिए कॉइल डल चुका है और कॉइल ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। क्योंकि ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो स्टार्टिंग हमारी नहीं डल पाएगी, तो ये कॉइल हमारा एकदम बढ़िया है। और इसी प्रोसेस से हमने दोस्तों दूसरा कॉइल भी डाल लिया था रनिंग का, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए दोनों हमारे रनिंग के कॉइल डल चुका है, यानी कि रनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद दोस्तों मेन काम आता है जॉनसन टेप का, रनिंग स्टार्टिंग को अलग करने का जिससे शॉर्ट ना हो। तो आप ये देखिए जॉनसन टेप लगा लीजिए, और जॉनसन टेप को दोस्तों हमेशा पार्ट पार्ट में लगाइए, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। जो कि अगर आप सिंगल टुकड़े का यूज़ करेंगे तो वो गोलाई सही तरीके से बैठ नहीं पाती है। ये देखिए अच्छी तरह दोस्तों कॉइल को अपने उंगलियों की मदद से सेट करते चलिए, जिससे कि स्टार्टिंग डालने में परेशानी ना हो। क्योंकि जब हमारा रनिंग का फर्मा बिल्कुल एकदम बढ़िया सेट होगा तो स्टार्टिंग हमारी बहुत ही आसानी चली जाएगी और इसे वाइंडिंग करने में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उससे पहले दोस्तों हम सेट कर लेंगे कॉइल को। ये देखिए क्योंकि दोस्तों एल्युमिनियम से सेट किया है तो उसमें हमें किसी भी वाइंडिंग हथौड़ी या किसी भी और चीज़ की हैमर की जरूरत नहीं है, इसे हम अपने हाथ से ही सेट कर सकते हैं। ये देखिए कनेक्शन इसके दोस्तों बहुत ही आसान है, जैसे इसके कनेक्शन हुए इसी प्रकार से मोनोब्लैक के कनेक्शन होते हैं। ये देखिए क्रॉस में कनेक्शन होते हैं इसके। ये देखिए आमने सामने कनेक्शन हो गए और आमने सामने एक जोड़ लगा दिया। ये देख लीजिए एक तार हमने यहाँ से लिया है कनेक्शन का, और इसका ये देखिए ये वाला तार लिया। ये देखिए ये आपस में जोड़ दिया और ये मेन कनेक्शन हो गया। आप समझ गए होंगे, अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ये देखिए जैसे कि मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी आप कोई भी मोटर वाइंड करते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो उस पर इंसुलेशन हुआ होता है वाइंडिंग वायर पर, तो इंसुलेशन हटाना ज़रूरी होता है करंट पास करने के लिए। तो आप उसे माचिस की सहायता से जला लेंगे और जोड़ को अच्छी तरह लगाने के बाद स्लिप से कवर कर लेंगे। ये देखिए जैसे कि वाइट निकला ये, तो आपको ये भी प्रूफ हो गया कि ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है। उसके बाद जैसे कि हमने पिछली साइड जॉनसन टेप लगाई थी, उसी प्रकार से जॉनसन टेप लगा लेंगे अच्छी तरह, और कनेक्शन को जॉनसन टेप से दबा के इसकी स्टार्टिंग की तैयारी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो पर कम से कम मुझे 5000 लाइक आने चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अगर आप इन सब चीज़ों को हमारे चैनल को देखते हैं और इन सब लाइक वगैरह करते हैं दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को भी लाइक और अपना प्यार देते चलिए, जिस चीज़ की हर यूट्यूबर को ज़रूरत होती है। ये देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 3 टुकड़ों में जब आप लगाएंगे तो एक जो यू है इसका, यानी कि यू मीन्स
जो इसकी गोलाई है वो आपकी एकदम एक्यूरेट आएगी। और स्टार्टिंग कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम स्टार्टिंग का रनिंग का कॉइल थोड़ा छोटा बना देते हैं तो स्टार्टिंग के लिए हमें डालने में दिक्कत होती है, तो वो कॉइल जा नहीं पाता। ये देखिए स्टार्टिंग के दोस्तों हमने कॉइल बना लिए थे दो। अब इसके अंदर मैं दोस्तों टर्नों की बात कर लेता हूँ। जो स्टार्टिंग का दोस्तों फर्मा सेट किया है वो भी 31 इंच पर, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। पिच की बात कर लेता हूँ, 8, 10, 12 पिच रहेगी, सेम पिच रहेगी। और स्टार्टिंग भी हमारी दोस्तों इसकी 30 नंबर से 200 टर्नें रहेंगी एज इट इज़। चलिए वीडियो में दोस्तों आगे चलते हैं। और इसके भी दोस्तों राउंड बात करें तो हर स्लॉट में सिंगल सिंगल राउंड जाएंगे आपके सामने दोस्तों। रनिंग स्टार्टिंग में सेम वायर का यूज़ किया है और सेम सेम टर्ने हैं दोनों के अंदर। ये देख लीजिए आप, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हम कॉइल डाल रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि रनिंग का फर्मा हमारा एकदम इक्वल सेट हुआ है। और दोस्तों हर फर्मा रनिंग स्टार्टिंग का एक ही साइज नहीं होता है, कभी आप इस फर्मे के माध्यम से अंदाज़ा लगा लें कि इसका रनिंग का फर्मा 31 इंच पर सेट हुआ है तो स्टार्टिंग का भी 31 इंच पर सेट हुआ है, तो किसी और मोटर का भी ऐसा ही होगा। वो हर स्टेटर की दोस्तों अलग क्वालिटी होती है। ये देख लीजिए आप, ये थर्ड राउंड है और थर्ड राउंड में कॉइल समाप्त हो जाएगा हमारा। यानी कि टोटल रनिंग स्टार्टिंग में हमारे 4 कॉइल बने रास्ता वाइंडिंग दोस्तों, इसी को कहते हैं। आई होप आप मेरी लैंग्वेज से दोस्तों अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही होता है कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और आपके एकदम माइंड में वो चीज़ क्लिक करती रहे कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है। ये देख लीजिए कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसे हाथों दोस्तों कॉइल को सेट करते चले। ये देखिए, अगर इसकी जगह दोस्तों कॉपर होता या मोटा गेज होता या तार का मोटा गेज होता तो उसके लिए हम वाइंडिंग हथौड़ी का यूज़ करते। ये देख लीजिए, ये दोस्तों पहला राउंड है। ये देखिए दोनों साइड से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल एकदम समझ में आना चाहिए कि कॉइल हमारा कहाँ गया और कहाँ कौन से स्लॉट पर डला। ये देखिए एक साइड से डाल दिया हमने, उसके बाद जब हम कॉइल को राउंड घुमाएंगे दोस्तों, जब भी आपको वायर डालने में यानी कि जो हमारा कॉइल होता है जो स्टेटर के अंदर अगर डालने में दिक्कत होती है तो आप कॉइल को हल्का सा चुटकियों की सहायता से मूवमेंट दीजिए, यानी कि उसे हल्का सा आगे पीछे की ओर कीजिए। स्टेटर पर ज़्यादा नहीं रगड़ना है वरना आपके जो वायर के ऊपर इंसुलेशन है वो छिल जाएगा। तार छिलना नहीं चाहिए हमारा, उसे हल्का हल्का पतला कर लीजिए तार को एक सीध में, जिससे कि हमारे स्टेटर के अंदर आसानी से जा सके। अगर ये चीज़ दोस्तों अगर रनिंग का फर्मा ज़्यादा छोटा होता तो ये स्टार्टिंग जाने में हमारे को परेशानी हो जाती, इसलिए फर्मे का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए और आपकी वाइंडिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों वीडियो के अंदर कनेक्शन और कंप्लीट स्टेटर आपको वाइंड करके दिखाऊंगा मैं। ये देखिए हमारे यानी कि 2 राउंड डल चुके हैं और ये 3रा राउंड डालते ही हमारी वाइंडिंग स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, और दोस्तों आपको जैसा भी लगता है, कोई आपने देखा होगा बहुत से इलेक्ट्रिशियन शॉप पे एक इसको सीक्रेट बना के रखते हैं वाइंडिंग बहुत कठिन है या कुछ भी आपने देखा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी चीज़ को आप अगर ध्यान से करते हैं, कोई भी काम है दोस्तों, वाइंडिंग हो किसी भी चीज़ हो, जिसमें सबसे पहले चीज़ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए यानी कि आपकी रुचि होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, कोई भी चीज़ हो दोस्तों आप उस पर अगर मन लगा के काम करते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे कि इस साइड से मैं डाल रहा हूँ, कॉइल को हल्का हल्का करके डाल लीजिए। अगर आपका कॉइल नहीं जा रहा है तो कॉइल को पार्ट पार्ट में करके यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में करके डाल लीजिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा टर्न ले लीजिए और डाल लीजिए। ये देखिए कॉइल हमारा डल चुका है और ये रनिंग स्टार्टिंग हमारी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें धागा वगैरह मार के और कनेक्शन निकालेंगे। ये देखिए इसकी गोलाई हाथों सेट कर लीजिए जिस टाइम, क्योंकि हम धागा मारेंगे तो ये सब चीज़ें दोस्तों सेट करनी इसलिए ज़रूरी होती है, जब हम इसे फाइनल में जब फिट करेंगे तो हमारा रोटर है या फिटिंग करते समय कवर में हमारी वाइंडिंग टच नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान हमें स्टार्टिंग से ही लेकर चलना होता है। ये सब चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप फर्मा सपोज भाई आपका फर्मा बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो आपको स्टार्टिंग डालने में दिक्कत होगी, और बड़ा हो गया तो ये तो एलुमिनियम है, चलो थोड़ा बहुत तार बढ़ जाएगा तो आपकी कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा। अगर यही आप कॉपर से वाइंड करेंगे, अगर आपका 50 ग्राम भी बढ़ गया तो आज का तेर, जैसे लॉकडाउन में आपको आज का तेर तार का रेट पता है, सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों तार का रेट आपको कंफर्म पता है, तो आपको अगर 50 ग्राम भी तार का इजाफा हो गया यानी कि बढ़ गया तार कॉइल बड़ा होने के कारण, तो आपको वही 500 रुपये
का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कॉइल एक्यूरेट रखें। इसलिए मैं दोस्तों इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ माइंड में रहे। और दोस्तों जब भी धागा मारेंगे कॉइल को हमेशा दबाते हुए चलिए, क्योंकि जब आप इसमें वार्निश डालेंगे या नहीं भी डालेंगे तो कॉइल हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। ये देखिए धागा हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये कनेक्शन मैं बता देता हूँ, इसके ये चार वायर हैं, ये चारों वायर ये देखिए, ये देख सकते हैं आप जिस प्रकार से हमने रनिंग के कनेक्शन किए थे उसी प्रकार से ये देखिए आमने सामने वाले दोस्तों कनेक्शन हो गए, यानी कि इसके क्रॉस में कनेक्शन होते हैं। ये देखिए ये वाला जो वायर है ये देखिए ये हमने यहाँ जोड़ा है, ये देखिए यानी कि क्रॉस में। और ये देखिए ये और ये आमने सामने वाले इसके मेन कनेक्शन हो गए जिसमें हम लीड निकालेंगे। इंसुलेशन इसका हटा लेंगे, उसके बाद दोस्तों जोड़ों को पक्का करेंगे और उसके बाद हम अपनी लीड निकालेंगे। ये देखिए ये ब्लू कलर निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं, ये देख लीजिए स्टार्टिंग में दोस्तों हमने ब्लू निकाला है और रनिंग में भी दोस्तों ब्लू निकाल रहा हूँ मैं। वो दोस्तों रंग का भी कोई वो नहीं है ज़रूरी, अगर आप अपने हिसाब से भी कोई से भी कलर निकालते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि रनिंग आपने कौन सी निकाली और स्टार्टिंग कौन सी निकाली है। ये देखिए जैसे कि तीन तार के कनेक्शन आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, रनिंग स्टार्टिंग आपस में हमने दोनों मेन कनेक्शन से मिला दिए। ये देखिए तीन वायर के कनेक्शन है ये, उसमें हमने ग्रीन निकाल दी, यानी कि इस स्टेटर के अंदर कॉमन हमारी ग्रीन होगी। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए ये होते हैं दोस्तों तीन वायर के कनेक्शन, यानी कि दो जो ब्लू ब्लू हैं उसमें निकलेगा कंडेंसर और जो ग्रीन निकाली है ये हो गई कॉमन, इसमें जाएगी लाइन। और अब जो हमारी जो मेन तार है जिससे हम करंट देते हैं, एक तार तो हमारी ग्रीन तार के साथ टेप कर दी हमने, कनेक्शन बंद हो गई, अब दो बची कंडेंसर की जिसमें हमने कंडेंसर दे रखी है, जिस तरफ इसके चक्कर सीधे होंगे उसी पर हम अपनी लाइन दे देंगे। ये देखिए तीन तार के कनेक्शन, सॉरी दोस्तों मास उतर गया था, ये देखिए इसके हमने अच्छी तरह निकाल दिया कनेक्शन। और यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग मिलाने के बाद धागे को दोस्तों स्लिप से पहले स्टार्ट करेंगे ताकि धागा मारने में परेशानी नहीं होगी। जब भी आप दोस्तों कनेक्शन की साइड से धागा मारना शुरू करेंगे तो स्लिप को पहले बांध लीजिए अच्छी तरह, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये देख लीजिए एक स्लॉट छोड़ के एक स्लॉट धागा मारेंगे, जिससे आपको धागे के जब फिनिशिंग का जो एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फराटा फैन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे फिट करते हैं तो वाइंडिंग ज़्यादा बड़ी होगी तो कवर में टच हो जाती है, आपने कई वाइंडिंग में देखा होगा वो आगे टच होती है, तो जिससे अर्थिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये देखिए धागा मारते चलिए और कॉइल को हमेशा अंगूठे की सहायता से जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे दबाते हुए चलिए कॉइल को, जिस प्रकार से मैं दबा रहा हूँ, जिससे कि जो हमारी कॉइल है सारी एक साथ सेट हो जाए और गोलाई हमारी प्रॉपर आए। क्योंकि दोस्तों आपने देखो कई बार घर में हम जैसे सपोज भाई दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हम घर में पांच भाई बहन हैं, खाना हम सब बराबर खा रहे हैं लेकिन किसी के शरीर को उससे अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और किसी के शरीर को कम रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि किसी की पाचन शक्ति बढ़िया है और किसी की कम है। क्योंकि दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा हूँ उसके एग्जाम्पल के माध्यम से कि वाइंडिंग दोस्तों सब कर रहे हैं लेकिन किसी की फिनिशिंग अगर आप देखेंगे कंपनी में वाइंडिंग हुआ हुआ स्टेटर है तो उसकी फिनिशिंग आपको देखते लगेगा हाँ यार क्या ज़बरदस्त वाइंडिंग है। तो वो चीज़ हमारे हाथ में भी होनी चाहिए कि जो कस्टमर हमारे से काम करवा रहा है उसको बढ़िया रिजल्ट मिले और वो भी देख के कह सके कि हाँ हमने किसी अच्छी दुकान से काम करवाया, जिससे कि आपका काम भी बढ़ेगा और आपको नॉलेज भी गेन होगी आपकी। ये देखिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ वाइंडिंग करने के बाद दोस्तों हमेशा पेपर दबाइए, क्योंकि जब आप फिटिंग करेंगे तो रोटर अगर पेपर से टकराएगा तो हमारे पेपर कट सकते हैं और हमारी वाइंडिंग को हानि पहुंच सकती है। ये देखिए सारे पेपर बिठा देंगे, 24 के 24 पेपर बिठा देंगे। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।